हाँ, वेलकम टू चिकवेट। देखिए, ये वीडियो जो है ये आपका है मॉक टेस्ट, और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिए, मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर छाट छाट के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सटीक हो। ठीक है, तो आज ये उत्तर प्रदेश स्पेशल मॉक टेस्ट है। देखिए, मैंने कल एक वीडियो प्रोवाइड की थी, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर मॉक टेस्ट के रूप में प्रोवाइड किया करिए, जल्दी याद हो जाता है। तो देखिए, मैं दोनों ही काम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करता रहूँगा और वीडियो भी देता रहूँगा, तो इससे क्या होगा, आप दोनों ही तरह से तैयार कर लेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट थोड़ा सी लेंदी होता है और इसमें क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं उस तरह से वीडियो प्रोवाइड करता हूँ तो वहाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन चलिए, मैं दोनों ही टाइप से आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो आज ये वीडियो बहुत अच्छी है, ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से लिए जाते हैं मैंने इस वीडियो में लिया है, और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत अच्छे से इसका मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि भारत में निम्नलिखित में किस शहर को सर्वाधिक प्राचीन शहर माना जाता है? तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के अंदर सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। तो याद रखिएगा, ये है आपका वाराणसी। ठीक है, वाराणसी जो है ये पूरे भारत में सबसे प्राचीन शहर है। और अगर दूसरे नंबर की बात की जाए कि भारत में दूसरा सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, तो वो होगा आपका इलाहाबाद। ठीक है, तो याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पर आपका आएगा बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध श्रावस्ती नगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है, नगर का नाम याद रखे क्या है, श्रावस्ती नगर जो है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो याद रखिएगा, ये राप्ती नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वराज भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये आपका स्थित है इलाहाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीलौटी नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्या है लीलौटी नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए, कमेंट करते रहिएगा, अगर क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करते रहिएगा, थोड़ा सी मतलब एनर्जेटिक बताया करिए तो थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बोल रहे हैं, लीलौटी नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये आपका स्थित है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हजरत बाले मियाँ की दरगाह, ठीक है नाम याद रखिए क्या है, हजरत बाले मियाँ की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस प्रांत में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये आपके स्थित है मेरठ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिराज हिंद की संज्ञा प्रदान की जाती है, यानी पूर्व में सिराज हिंद किस प्रांत का नाम था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, पूछा भी गया था एग्जाम में। तो याद रखिएगा, ये आपका है जौनपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि उत्तर प्रदेश के किस प्रांत का क्षेत्रफल सभी प्रांतों के क्षेत्रफल से बड़ा है, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से की जाए बात, तो लखीमपुर खीरी जो है ये सबसे बड़ा जिला है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंदी मेला जो है किस जिले में आयोजित किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा मेला है, या ऐसे बोल दिया गया डायरेक्ट क्वेश्चन में कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंदी मेला जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो होगा मेरठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्य सागर किसका पुराना नाम था? ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन, याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बने थे आपके यूपी पुलिस परीक्षाओं में। तो क्या बोल रहा है कि सत्य सागर किसका पुराना नाम था? तो याद रखिएगा, सत्य सागर बोलते थे मिर्जापुर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित एवं बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए, अगर हम शहर की बात करते हैं तो सर्वाधिक विकसित शहर जो है आपका है कानपुर नगर, ये इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी बोलते थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित शहर जो है वो आपका है कानपुर नगर, और अगर बोल दिया जाए सबसे बड़ा शहर तो वो भी आपका होगा कानपुर नगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हस्तिनापुर का एक साम्राज्य के अवशेष किस प्रांत से प्राप्त होते हैं, यानी आप जो महाभारत में इसकी बात हुई थी हस्तिनापुर
हस्तिनापुर की, तो इसके जो अवशेष है ये किस प्रांत से प्राप्त होते हैं ये पूछ बताया जाना है। तो याद रखिएगा ये प्राप्त होते हैं मेरठ से, ठीक है। याद रखिएगा मेरठ जो है ये हस्तिनापुर का ही एक हिस्सा था, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शहीद स्मारक स्थित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा कि शहीद स्मारक स्थित है। तो याद रखिएगा कि शहीद स्मारक स्थित है मेरठ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तारकेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। देखिए प्रसिद्ध चीज़ें तो पूछी गई थी लेकिन वो प्रसिद्ध ऐसे थे इस बार एग्ज़ाम में जो मोस्टली हमने नहीं सुनी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। तो इस तरह से पूछी गई थी तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको वैसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड करें। क्या बोल रहे हैं, तारकेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, मिर्जापुर में स्थित है ये मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदू एवं बौद्ध दर्शन का प्रतीक माना जाता है, यानी हिंदू और बौद्ध दोनों ही के दर्शन का प्रतीक है, ये कौन सा प्रांत है उत्तर प्रदेश का, बताइए। तो याद रखिएगा ये आपका है श्रावास्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिकंदरा में स्थित मकबरा किस मुगल शासक का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बना था एग्जाम में। क्या बोल रहा है, सिकंदरा में स्थित मकबरा किस मुगल शासक का है, तो याद रखिएगा ये आपका है अकबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि जौनपुर प्रांत का संस्थापक था, यानी जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिए ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाजी वारिस अली शाह की दरगाह स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताइए। क्या बोल रहे हैं, हाजी वारिस अली शाह की दरगाह स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपकी स्थित है बाराबंकी में। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा या तो फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बाराबंकी में किसकी दरगाह स्थित है, तो याद रखिएगा हाजी वारिस अली शाह की दरगाह स्थित है बाराबंकी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आगरे के लाल किले को बलवा लाल पत्थर से सुशोभित किया था, याद रखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी डीप है, क्योंकि मोस्टली हमें पता है कि जो आगरा का लाल किला का बनवाया किसने था, लेकिन ये नहीं पता है कि बलवा पत्थर से इसको, यानी जो रेड कलर का पत्थर से किसने सुशोभित किया था बाद में, तो बताइए। तो याद रखिएगा ये शाहजहां ने किया था इसे बलवा पत्थर से सुशोभित, यानी इसका आर्किटेक्चर जो है इन्होंने फिर से चेंज किया था रेड पत्थर से, ठीक है। देखिए इसके इसी का जो क्वेश्चन नेक्स्ट है क्या कि आगरा के लाल किले के निर्माण किसने कराया था, यानी जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था, आप बताइए। तो सिंपल से बात है, ये अकबर ने कराया था आगरे के लाल किले का निर्माण, और उसे सुशोभित किसने किया था, शाहजहां ने लाल पत्थर से, ठीक है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछे गए अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निमाजुद्दीन औलिया की जन्मस्थली है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, याद रखिएगा कि इनका जो दरगाह है वो अभी आपको नीचे क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन अभी क्या पूछा जा रहा है कि निमाजुद्दीन औलिया की जो जन्मस्थली है ये उत्तर प्रदेश के किस प्रांत से संबंधित है, तो बताइए। देखिए आपकी दरगाह मंदिर मस्जिद यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, आपको सबको पता है, तो ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, अच्छे से याद रखिए। तो याद रखिएगा ये बदायूं के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेंट जॉन चर्च स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका स्थित है मेरठ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिवपुर प्रसिद्ध स्थान स्थित है, ये एक स्थान का नाम है शिवपुर, तो ये कहाँ पर पड़ता है, एक मंदिर है यहाँ पर एक बड़ा सी, तो ये पूछा जा रहा है ये प्रसिद्ध स्थान किस, मतलब किस भारतीय जिले में जो उत्तर प्रदेश के, बताइए। तो यार क्या शिवपुर जो स्थान है ये आपका है मिर्जापुर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि मरियन का मकबरा स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका स्थित है आगरा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निमाजुद्दीन औलिया की प्रसिद्ध दरगाह स्थित है, काफी अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका, याद रखिए अच्छे से। क्या बोल रहे हैं, निमाजुद्दीन औलिया की प्रसिद्ध दरगाह स्थित है, तो याद रखिएगा ये स्थित है दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रसिद्ध दरगाह किसकी है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जो आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रसिद्ध दरगाह जो है वो किसकी है,
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा शेख शलीम चिश्ती जी की दरगाह है आगरा के फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ख्वाजा मोइन हसन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो इसका आंसर बताइए। तो आपने अजमेर का नाम तो सुना ही होगा, तो ये ख्वाजा मोइन हसन चिश्ती की दरगाह है ये, और ये आपकी राजस्थान में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जौनपुर का शाही ब्रिज किस नदी पर बनाया है, यानी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि जौनपुर का जो एक ब्रिज का नाम क्या है, शाही ब्रिज, ठीक है, ये किस नदी पर बना है। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये ब्रिज भी किस पे बना है, गोमती नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आगरा के लाल किले में निम्नलिखित में स्थित नहीं है। आपने देखा होगा कि आगरा के लाल किले में बहुत कुछ है, लेकिन इसमें से कौन चीज़ है जो आगरा के लाल किले में नहीं स्थित है, तो ये बीबी का मकबरा जो है ये आगरा के लाल किले में स्थित नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मोती मस्जिद, जहांगीर महल और दीवाने आम ये तीनों ही स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो याद रखिएगा ये आपका है सरयू नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इलाहाबाद प्रांत का पूर्व में नाम था। तो याद रखिएगा प्रयागराज, तीर्थराज, संगम नगरी, ये तीनों ही नाम थे पूर्व में इलाहाबाद के, तो ये उपयुक्त सभी इसका सही हो। तो ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके यूपी पुलिस परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और प्लीज़ अगर यार पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।